नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, ये मैंने माता रानी की पोशाक बनाई है और अभी इसका दुपट्टा भी बनाऊंगी, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। देखिए, ये लाल कलर की, नवरात्रि आ रही हैं तो इसलिए मैंने आज ये बना दी है नवरात्रियों के लिए। देखिए कैसी लग रही है। तो ये मैंने माता रानी की दो बनाई है, एक ये बनाई है। तो इसमें मैं ये हरे कलर की लेस लगाऊंगी, ये वाली, और फिर मैं दोनों के दुपट्टे बनाऊंगी। ये बेल लगा देती हूँ और इनको अगर हम धो भी देते हैं तो बड़ी अच्छी रहती हैं अपने घर की। अपने घर पर धो और पहनाओ, बाजार के थोड़ा एक दो बार धोने में खराब सी हो जाती हैं, इसलिए मैंने ये सिल दिए हैं दो पोशाक। और इसके बाद छोटे छोटे दो दुपट्टे, तो दो पोशाक मेरी ये तैयार हो जाएंगी। देखिए ये भी लैस अच्छी लग रही है, देखिए काफी सुंदर लगेगी इस पर। इसका कपड़ा मैंने डबल लिया है ताकि ये थोड़ी मतलब सीधी रहे पोशाक। पहले मैंने ये बनाई थी तो थोड़ा ये मैंने सिंगल कपड़ा लिया था तो थोड़ी पतली पतली सी, ऐसे ये थोड़ी हल्की सी लग रही थी, भारी सी नहीं लगी। तो इस वजह से इस बार मैंने डबल कपड़ा ले लिया है। एक राधा कृष्ण की जोड़ी है मेरे पास, तो उनके भी मैं बनाऊंगी। उनका कपड़ा ये वाला कपड़ा है और इसमें से मैं दोनों के बन जाएंगे, राधा रानी का भी और कन्हैया जी का भी। तो इसमें से मैं उन दोनों के लिए बनाऊंगी और दो मैं बाल गोपाल के लिए भी बनाऊंगी। तो मेरा नवरात्रियों का काम अच्छे से हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनेंगे। तो ये प्रेस सी हो जाएगी तो नीचे से थोड़ा भारी भारी और काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो लैस लग गई, इसी तरह से मैंने दूसरी पोशाक में भी कर ली थी। तो जब पहनाएंगे तो ये नीचे से भी ऐसी रहेगी। देखिए आपको अच्छी लगे तो जरूर बताना पोशाक हमारी कैसे लगी, क्योंकि अभी मुझे और भी सिलनी है, दुपट्टे भी बनाने हैं और मैं दुपट्टे भी आपको सिल के दिखाऊंगी। जो सादा सिंपल है, इनमें कुछ नहीं है ऐसा ज़्यादा, पर अपने घर की और हाथ की बनाई हुई की कुछ अलग ही बात होती है। तो ये दो पोशाक मेरी हो गई तैयार। देखिए यहाँ पे ये वाली, देखिए। तो अब मैं दुपट्टा बना लेती हूँ, आपको दिखाऊंगी। इसमें से बनाऊंगी दुपट्टा। तो देखिए ये तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, तो मैं सोच रही इसको इतना कर लेती हूँ, इतने इतने दुपट्टे काफ़ी रहेंगे माता रानी को उनके लिए। उतना तो यहाँ से मैं इसे कट कर लेती हूँ, इतने इतने दुपट्टे काफ़ी हैं। देखिए इसमें से दो बन जाए। तो देखिए ये बना रही हूँ दुपट्टा और इसको जरा मैं तैयार कर लें, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये दुपट्टा भी तैयार है माता रानी का, कुछ इस तरह से हम उढ़ाएंगे। इस सामने मैंने बड़ी वाली लैस लगाई है, साइड में छोटी लगा दी है क्योंकि साइड में बड़ी वाली अच्छी नहीं लगती। तो ये उसी के मैच का दुपट्टा भी बन गया है, तो दुपट्टा भी तैयार है। देखिए इस तरह से, और ये माता रानी की ड्रेस और एक और ये ड्रेस। तो देखिए दोस्तों, ये दो ड्रेस माता रानी की मैंने तैयार कर दी हैं और बाकी का काम अब कल करूँगी। राधा कृष्ण की जो जोड़ी है उनके एक जैसे बनाऊंगी और जो हमारे घर में बाल गोपाल हैं उनके बनाऊंगी। तो नवरात्रियों में नए नए कपड़े पहनेंगे तो बड़ा मन अच्छा सा लगता है। तो देखिए ये ड्रेस मेरी कैसी लग रही है, आप ज़रूर बताएं। इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। तो मिलते हैं कल, फिर क्या बनाएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी सभी को राम राम।